नमस्कार दोस्तों, YouTube की हाई फाई स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम इस वीडियो में लाए हैं आपके लिए परसेंटेज यानी प्रतिशत का पार्ट टू, जो कि बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, जो कि हर एक कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है। कोई भी कंपटीशन एग्जाम हो, इससे क्वेश्चन जरूर आता है, जिसका पार्ट वन हमने पहले ही बना रखा है। अगर आपने वो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में हमने उसका लिंक दे रखा है, उसे जरूर देखें। उसमें हमने पूरा बेसिक परसेंटेज का कवर किया है, भिन्न और परसेंटेज की तुलना बताई है, और कैसे फ्रैक्शन वाली परसेंटेज को हम कैलकुलेट करते हैं, और कैसे 10%, 50%, 5%, 1% को हम कैलकुलेट देखते ही संख्या को बता सकते हैं। उसमें सारा ये मैंने आपको कवर किया है बेसिक। और चलिए इसमें हम सारे ही टाइप के क्वेश्चन और उनके कंसेप्ट कवर करेंगे। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। अगर हम इस टाइप की इस प्रतिशत पार्ट के क्वेश्चनों को अगर बांटना चाहें तो 11 प्रकार के क्वेश्चनों में बांट सकते हैं, जो कि इस प्रकार हैं। नंबर एक, प्रतिशत कमी पर आधारित। नंबर दो, प्रतिशत वृद्धि या अधिकता पर आधारित। नंबर तीन, प्रतिशत वृद्धि और कमी दोनों पर आधारित, यानी एक ही क्वेश्चन में दोनों चीजें हो जाएंगी, कमी और वृद्धि। क्षेत्रफल और आयतन पर आधारित। आय और व्यय पर आधारित। चुनाव पर आधारित। मिश्रण पर आधारित। जनसंख्या पर आधारित। संख्याओं पर आधारित। परीक्षा में फेल और पास पर आधारित। और विविध प्रश्न, इन 11 प्रकार के कंसेप्टों में हम इसे बांट सकते हैं, और इन्हीं कंसेप्टों का यूज होता है। बस संख्याएं चेंज होती हैं, क्वेश्चन वही रहता है। मेथड संख्या की लैंग्वेज चेंज होती है, लेकिन क्वेश्चन वही रहता है, ठीक है। तो इस अगर 11 टाइप के क्वेश्चन आपने कवर कर लिए, तो समझ लिया आपने पूरा परसेंटेज का टॉपिक कवर कर लिया। और ये सारे टाइप के क्वेश्चन को आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। हो सकता है इसमें आज हम आधे टॉपिक कवर करें और आधे अगले पार्ट्स में करें, लेकिन आप पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। पूरा आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होगा, ये जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं पहले टाइप के साथ, प्रतिशत कमी पर आधारित प्रश्न। तो पहला टाइप हमारा था प्रतिशत कमी पर आधारित प्रश्न, तो ये उसी का टाइप का क्वेश्चन है। देखिए क्या होता है प्रतिशत कमी, यानी कि जिसमें आपको कमी होगी, दो व्यक्ति की कोई भी चीज दिखाई जाएगी तो उसमें एक व्यक्ति की कमी दिखाई जाएगी, ठीक है। तो देखिए, सीता की आय गीता की आय से 10% कम है, यानी सीता की आय गीता की आय से 10% कम है। बताइए कि गीता की आय सीता की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक यहाँ फार्मूला इसका भी यूज कर सकते हैं। क्या है, जब एक्स परसेंट की कमी हो तब, यानी जब भी कितने भी परसेंट की, जो भी परसेंटेज दिया उसकी कमी हो तब क्या यूज करोगे उसके लिए। उसके लिए आपको देखना है कि जो एक्स का मान है वही, जो परसेंटेज की कमी हो वही एक्स का मान होगा, ठीक है। तो यहां पर देखिएगा फार्मूला क्या है, एक्स इंटू हंड्रेड, हंड्रेड माइनस एक्स। तो x कितना था हमारा 10, 10 इंटू हंड्रेड, जब कोई चीज नहीं होता है इंटू होता है, बटे 100 माइनस x, x का मान कितना है 10, ठीक है। तो इसे ही आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा, वही आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ऊपर कितना हो गया 1000 और नीचे हो गया 90, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 9 ही कम 9 बच्चा, 1 हो गया 10, 9 ही कम 9 बच्चा, 1 1 बटा 9, तो 11 सही 1/9 प्रतिशत, तो यही कमी होगी 11 सही 1/9%, ऑप्शन नंबर पहला, ठीक है। आई होप कि आपके समझ में आएगा। इस फार्मूले का आप याद कर लें या नोट्स कर लें कहीं, एक्स परसेंट की कमी हो तब एक्स इंटू हंड्रेड, हंड्रेड माइनस एक्स, यानी कि जिस चीज की कमी हो रही है उसे 100 से गुणा में रखना है और 100 में से ही घटा के लिखना है, ठीक है। चलिए, और मैं अगर दूसरे टाइप से अगर बताना चाहूं, दूसरे टाइप से भी आप कर सकते हैं, जिसमें आपको फार्मूला का भी यूज नहीं करना होगा। ये क्या है, सीता की आय गीता की आय से, तो एक गीता है और एक क्या है सीता है, ठीक है। तो किस गीता की आय से, किसकी आय से, गीता की आय से, तो गीता की आय से 10% कम है, तो यानी गीता की आय माना 100 रुपए है, तो सीता की कितनी हो जाएगी 10%, यहां से अगर पॉइंट लगाया तो 10, यानी 10% कितनी होगी 10, और 100 में से 10 कर कम करा तो कितनी रह गई, यानी सीता की होगी 90, ठीक है। और वैसे भी किसी संख्या का परसेंटेज अगर देखना है, 100 का अगर परसेंटेज देखना है हमें, तो जितना वो संख्या दिखाया जाता है कम है तो 100 से कम कर दो, ज्यादा है तो 100 से ज्यादा कर दो, वही परसेंटेज होता है उसका जो संख्या दिखाई जाती है। 100 का अगर मैं बोलूं 100 का 20% कितना होगा, तो 20 ही होगा। 100 का 10% तो कितना होगा 10, क्योंकि प्रतिशत का मतलब होता है 100, 100 से तुलना करना, ठीक है। चलिए, तो यहां पर आप देखिए क्या कह रहा है, गीता की आय, गीता की आय सीता की आय से, सीता की आय से कितने प्रतिशत अधिक, सीता की आय कितनी है यहां पर 90, ठीक है। और कितनी परसेंट अधिक, आप देख सकते हैं यहाँ पर कितनी अधिक है इसकी, गीता की आय कितनी अधिक है 10 अधिक है, तो जो अधिक है वो कहां पे ऊपर, और गुणा में 100, ठीक है। काट लिएगा, जीरो से जीरो कट गया, क्या बचा 100 और नीचे 9, 9 ही कम 9, 9 ही कम 9, 1/9%, फिर भी आंसर क्या आएगा वही। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, यानी कि इन दोनों की आय लिखी
कितनी अधिक है या कितनी कम है उसकी तुलना की, और वही चीज जिससे तुलना हो रही है वो चीज नीचे और जिसकी पूछ रहा है उसके ऊपर, ठीक है, वही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अभी आपको अगले क्वेश्चनों में इसी टाइप के तीन चार क्वेश्चन लिए हैं मैंने, ताकि आपको इजिली सब कुछ समझ में आ जाए, ठीक है। चलिए दोनों टाइप से इसे भी हल करके देखते हैं। पहले टाइप से चीनी के उपभोक्ता 20% घट गया, यानी कि पहले, अब देखो क्या था मूल्य, यानी कि पहले का था और ये बाद का था, ठीक है। तो पहले 100 रुपये होगा, पहले कितना होगा 100 रुपये होगा, और 20% घट गया तो अब कितना रह गया 80 रह गया, यानी 20% घट के कितना रह गया 80 रह गया। ज्ञात कीजिए कि उपभोक्ता पहले जितने व्यय में कितने अधिक चीनी प्राप्त करेगा, ठीक है, यानी पहले जितना व्यय करता था उसमें कितनी चीनी प्राप्त करेगा, तो कितनी चीनी प्राप्त करेगा, ठीक है। तो देखिएगा, यानी कि पहले जैसे अगर करना चाहे तो कितनी करेगा, तो अब कितना है अब से ही, तो अब चीनी तो अब से प्राप्त करेगा, तो अब कितना रह गया उसका 80, ठीक है, और कितना अधिक खर्च हो गया उसका 20, तो वो कहां पर आ गया यहां पर, और गुणा में 100, ठीक है, 0 से 0 कट गया, कितना बचा 4, और 4 से काटो कितना आ जाएगा 25, तो 25%, यही इसका आंसर है। एक तो इस प्रकार से कर सकते हैं। दूसरा टाइप, वही हमारा सवाल क्या था, x इंटू 100 बट्टे 100 माइनस x, ठीक है, जब भी कमी होगी तो यहां पर आएगा माइनस और वृद्धि होगी तो यहां पर आएगा प्लस, तो x का मान कितना आया पर, अब 20, x का मान कितना दिया है 20, ठीक है, इंटू 100 बटे 100 माइनस 20, 20 ये कौन सा है x वाले, ठीक है, तो अब कर लीजिएगा ऊपर कितना आ जाएगा, नीचे आ जाएगा 80 और ऊपर आ जाएगा 20 इंटू 100, पूरा कैलकुलेशन भी मत करा करो, जब कट रहा है तो काट लो, 2 से 2 चौक 8, 4 से काटोगे कितना, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, यानी 25%, दोनों बार से निकालोगे आंसर हमारा सेम ही आएगा, ठीक है। तो आप याद कर सकते हैं x इंटू 100, 100 माइनस x, यानी कि जब कमी होगी तो माइनस करके लिखना है उसे, और वृद्धि होगी तो प्लस करके, वृद्धि वाले अभी आगे आएंगे तो मैं उस टाइप का भी आपको बताऊंगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रहीम की ऊंचाई करीम की ऊंचाई से 50% कम है, अब क्या है 50% कम है, ठीक है, तो अब देखिएगा कितनी हो जाएगी, यानी 50 इंटू 100 और बटे में क्या हो जाएगा 100 माइनस 50, ठीक है, तो नीचे क्या बचा हमारा 50, ऊपर क्या बचा 50 इंटू 100, तो 50 से 50 कट गया, कितना रह गया 100%, यानी उसकी लंबाई कितनी रह गई 100%, ठीक है। तो ये आपके लिए बहुत सरल फार्मूलाज है, बस वही चीज ऊपर एक बार 100 की गुणा में और एक बार 100 में से घटा के, ठीक है, उस प्रकार से भी कर सकते हो। ये हो गया रहीम और ये हो गया करीम, रहीम की आयु माना कितनी थी 100, 50% का में तो कितनी रह गई 50, ठीक है। अब देखिएगा कितनी रहीम की कितनी अधिक है, ये पूछ रहा है रहीम से कितनी अधिक है, तो देखिएगा करीम की आयु रहीम से कितनी अधिक है, यहां पर देखिएगा 50 अधिक है, अगर अधिकता देखी जाए तो कितनी है ये 50 अधिक है, तो वही अधिक कहाँ जाएगा ऊपर और गुणा में 100, 50 से 50 कट गया फिर भी क्या रह गया 100, ठीक है, तो इस प्रकार से भी आंसर यही आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट टाइप ही आ जाता है दोस्तों, प्रतिशत वृद्धि या अधिकता पर आधारित, यानी ये हो जाएगा अधिकता पर आधारित यानी वृद्धि पर आधारित, तो इसका भी फार्मूला अगर देखना चाहे तो क्या हो जाएगा, यानी कि आपके क्या दे दिया इसने वृद्धि, तो वृद्धि होगा तो x इंटू 100 तो रहेगा, लेकिन बस अंतर क्या हो गया, वहां पर उस समय क्या था माइनस और यहां पर क्या आ जाएगा प्लस, ठीक है। तो आप करते हैं इसे भी, 20 इंटू 100 यानी कि ये वाला 100, ठीक है, जो परसेंटेज दिया है वो, और बटे में 100, आपके क्या है? अधिक है, ये सब देखना है हमें अधिक है या कम है, ठीक है, परसेंटेज के बराबर वाला ही सब देखना है अधिक है या कम है, तो ये क्या है अधिक, तो आपके क्या हो जाएगा प्लस, प्लस के 20, अब इसे कैलकुलेट कर लीजिएगा, नीचे कितना हो गया 120, ऊपर कितना हो गया 20 इंटू 100, ठीक है, 20 से इसे काटोगे कितनी बार में, 6 बार में कटेगा, अब 100 बटा 6 है तो इसे काट लीजिएगा, वैसे तो आपको ये याद होना चाहिए 16 सही 2 बटा 3, ठीक है, 6 1/6 का मतलब क्या होता है, मैंने बताया था 16 सही 2/3, और 2/3 को हम बोल सकते हैं 6 6, ठीक है, तो ये इसका ऑप्शन ये हो जाएगा। चलिए मैं आपको कैलकुलेशन करके भी आपको दिखाता हूं, ठीक है।
क्या रह गया हमारा 100 और बटे में 6, 6 से इसे काटोगे, 6 ही कम 6, कितने बचे 4 हो गए 40, 6 छंग 36, कितने बचे ऊपर, ऊपर बचे 4 और नीचे बचे 6, और इसे काट लो कितना हो जाएगा 2/3, तो 16 सही 2/3, तो इसे दूसरे शब्दों में क्या लिख सकते हैं 16.66, तो देख लीजिएगा 16.66, ठीक है। ये आपको वीडियो फर्स्ट में मैंने आपको बताया सब कुछ, अगर आपने वो नहीं देखा है तो इसी वजह से आपको ये थोड़ा समझ में नहीं आ रहा, अगर आपने देख लिया हो तो आपको आई होप बिल्कुल समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, इसे अगर चाहें उस टाइप से करना चाहें तब भी कर सकते हैं, कैसे होगा, राम और एक श्याम है, ठीक है। तो राम की आय, अब माना राम की आय कितनी है 100, तो श्याम की कितनी हो जाएगी, राम की आय श्याम की आय से, सॉरी राम की आय श्याम की आय से, ठीक है, यानी कि इधर किसकी लिखेंगे, श्याम की और इधर राम की, तो श्याम की आय कितनी है माना 100 है, ठीक है, तो राम की आय कितनी हो जाएगी 120, क्योंकि श्याम की आय से लिख रहा है ना, श्याम की आय से, श्याम की आय से अधिक है, श्याम की आय से कितनी अधिक है 20 अधिक, तो 120 हो गई। अब श्याम की आय, श्याम की आय ज्ञात करनी है, राम की आय से कितनी कम है, यानी राम की आय अब कितनी है वर्तमान में 120, तो श्याम की कितनी कम है यहां से देख सकते हैं 20 कम है, तो वो आ जाएगा ऊपर और गुणा में 100, ठीक है, 0 से 0 कट गया, कितना बचा 6, और 100/6 का मतलब ये अभी मैं निकाला था 16 सही 2/3, ठीक है, तो ये इसका आंसर है 16 सही 2/3 या 16.66। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, तेल के मूल्य में 10% बढ़ा गया, यानी 10% बढ़ गया, तेल का मूल्य कितना बढ़ गया 10, तो 100 × 10/, यानी जुड़ जाएगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 110, आई होप कि आपको अब समझ में आ रहा हो, क्योंकि 10 ये जुड़ेगा इसमें, क्योंकि क्या है बड़ा है, देखो बढ़ा बोले अधिक बोले या वृद्धि बोले बात एक ही है, कम बोले घटा बोले या कमी बोले बात एक ही है, ठीक है। तो अब देखिएगा 0 से 0 कट गया, कितना रह गया 100/11, अब 11 से इसे काटोगे 11 × 99, कितना बचा 1 और नीचे क्या बच गया 11, तो यही आ जाएगा 9 सही 1/11, तो ऑप्शन नंबर बी प्रतिशत, ठीक है, तो आई होप कि आपके समझ में आ रहा होगा, यानी कि जो मूल्य दिया है उससे गुणा में 100 और बटे में उस मूल्य को 100 में ऐड करना, क्योंकि बढ़ा हुआ है, और घटा हुआ होता तो माइनस करना था, क्योंकि माइनस वाले मैंने आपको करा दिए। चलिए नेक्स्ट लेते हैं, दूध का दाम 15% बढ़ गया, आपके कितना बढ़ गया 15% बढ़ गया, तो अब 15 × 100, ठीक है, बटे कितना हो गया 115, क्योंकि 100 में ये बढ़ा है तो जोड़ेंगे, ठीक है, अब काट लीजिएगा इसे 5 से काट लीजिएगा, 5 से काटो क्या आएगा 5 × 3 = 15 और 5 × 2 = 10, 5 × 3 = 15, यानी कि 300/23, तो अब देखिएगा एक आपको पता है बटे में 23 आया, और 23 से ये पूरा विभाजित होता है, बिल्कुल नहीं होता है, तो कुछ सवाल तो बिल्कुल ओपन आउट होते हैं, जो कि आपको दिख रहा है कि बटे में 23 आएगा, यानी विभाजित पूरा पूरा होगा ही नहीं, 23 के पहाड़े में कभी 230 वो 300 आता है, नहीं आता है, क्योंकि 23 दाएं कितना होगा 230, अगर इसका डबल भी करोगे 23 × 46, 23 × 3 यानी 69, ठीक है, तब तो भी नहीं आ रहा है, तो इस वजह से इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 13 सही 1/3, इसे आप काट लीजिएगा यही आंसर आएगा, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चन बिल्कुल ओपन आउट होते हैं कंपटीशन में, जो कि आपको आंसर सामने से दिखते हैं, कैलकुलेशन की भी ज्यादा जरूरत नहीं दिखाता है, वो ऑप्शन इस टाइप के बनाता है कि बच्चे ने बस टाइप अगर सही लगाया तो उसे कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़े। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति किसी कारण अपना खर्च 20% बढ़ा देता है, कितना बढ़ा दिया उसने 20%, ठीक है, तो हम भी करते हैं 20 × 100, ठीक है, अब बढ़ा दिया तो क्या होगा प्लस 120 हो जाएगा, ठीक है, तो 0 से 0 कट गया, नीचे क्या आ गया 6, अब 100 सही 100/6, तो इसे काटोगे क्या आएगा, तो अभी मैंने इसका बताया था 100/6 क्या होता है 16 सही 2/3,
तो 16 सही 2/3, ठीक है, ये पार्ट वन में आना, आपको बताया सब कुछ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट टाइप ही आ जाता है, प्रतिशत वृद्धि दोनों पर आधारित, यानी इसमें दोनों चीजें होंगी, प्रतिशत वृद्धि और कमी भी। क्या सवाल है? एक व्यक्ति अपनी आय को 10% बढ़ाता है, कुछ दिनों बाद पुनः अपना 20% घटा देता है, इस प्रकार व्यक्ति की आय में कुल कितने प्रतिशत वृद्धि हुई? देखिएगा, यानी कि माना पहले उसकी आय कितनी थी 100, उसने 10% बढ़ाया, तो 10% इसका क्या हो जाएगा, यानी कि 100 से 110 हो गया, ठीक है। अब फिर पुनः उसने 20% बढ़ा दी, तो इसका 20% क्या हुआ, 11 × 22 यानी कि 132, ठीक है। उस व्यक्ति की आय में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, तो यहां से देख सकते हैं पहले 100 थी, अब कितनी हो गई 132, तो कितने प्रतिशत वृद्धि हुई, 32% की। आई होप कि आपके समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट टाइप लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। चलिए आपको अगर ये नहीं समझ में आया तो मैं दूसरे तरीके से आपको समझाता हूं कि माना व्यक्ति की आय कितनी थी 100 थी, ठीक है, उससे 10% बढ़ी, तो आप भी 10% बढ़ा दीजिएगा, 10/100, ठीक है, इंटू पुनः 20% बढ़ा दी, तो आपने भी क्या करा, 20% बढ़ा दी, ठीक है, गुणा में रख के आप बढ़ा सकते हैं। तो अब देखिएगा व्यक्ति इस प्रकार कुल कितने प्रतिशत वृद्धि हुई, तो 10 जब भी आपने बढ़ाओगे, 10% बढ़ाओगे, तो देखिएगा 100 से कितनी हो गई, वो 10 बढ़ेगी, 100 पे 10 बढ़ेगी, तो 100 पे जब 10 बढ़ी तो कितनी हो गई होगी, 110। अब वो 110 पे 20 बढ़ी होगी, तो 110 पे 20 यानी 10% कितना हो गया, 11, और 20% कितना हो गया, 22, ठीक है। तो इसमें अगर 22 जोड़ोगे तो कितनी हो गई, अब कितनी बढ़ी हुई है, 100 से देख लीजिएगा आप, 100 से ये कितनी अधिक है, 10 यहाँ पर और 22 यहाँ पर, कितनी अधिक है, 32, तो इसका आंसर क्या जाएगा, 32%। अगर इसे भी कैलकुलेशन कर लोगे तब भी आपका आंसर आ जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 100 से 100 कट गए, ठीक है। अब इन दोनों की गुणा कर लो, 12 × 2 = 120, 12 × 1 = 12 यानी 132, ठीक है। तो ये भी देखिएगा 100 से कितनी हो गई थी, 132, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 32%, ठीक है, इस प्रकार से ये कैलकुलेशन होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगर इसे दूसरा एक फार्मूला से आपको करना है तो इस फार्मूले से भी आप कर सकते हैं, ठीक है। चलिए मैं इस फार्मूले से भी आपको करके दिखा रहा हूं। तो पहली आय को क्या मान लोगे, ए, और दूसरी आय को क्या मान लोगे, बी। तो देखिएगा, ए प्लस बी यानी 10 + 20 प्लस ए इंटू बी, ए कितना है 10 और बी कितना है 20, ठीक है, और बटे में 100। अब इन्हें ये तो जुड़ेंगे, कितने हो गए 30 प्लस, गुणा में हमेशा ऊपर नीचे कट जाते हैं, तो 0 से 2 जीरो कट गए, यहाँ पे 2 ही कम 2, क्या बचे 2, 30 और 2 कितने हो गए 32, तो ऐसे भी आंसर हमारा क्या आएगा, 32%, ठीक है। तो इस फार्मूले को आप याद कर लीजिएगा, ए प्लस बी अगर आपको वो थोड़ा टिपिकल लगे तो, प्लस ए इंटू बी बटे 100। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, मोहन अपनी आय व्यय पहले 15% घटाया, पुनः 5% घटाया, ठीक है, इस प्रकार उसकी व्यय में कुल कितने प्रतिशत कमी हुई। तो आप दो तरीका से इसे कर सकते हो, पहले तो आप उससे अपने 100, माना मोहन की पहले कितनी थी 100, उसने 15% घटाया यानी कि 10%, 15% घटा के यानी पूरा 100 में से घटाया तो कितना रह गया होगा, 85 रह गया होगा, ठीक है, 15% घटाया तो कितना रह गया, 85। फिर इसका 5% घटाया, तो 85 का 5% क्या होगा,
तो पहले मैंने आपको 5% निकालना सिखाया है, या तो आप 10% निकाल लीजिएगा इसका, या 10% निकाल लीजिएगा, या आप क्या कर सकते हैं, या तो इसे आधा कीजिए उसके एक के बाद पॉइंट लगा लीजिएगा। दो दो आपके पास तरीके हैं, तो चलिए कोई भी एक तरीके से करते हैं। तो हमने माना 10% निकाला इसका, ठीक है, तो ये आ गया 10%, और इसको क्या कर दिया, आधा, तो आधा कर दीजिए, कितने आएगा, 4.2, ठीक है। नीचे अगर जीरो बढ़ाना चाहें तो 20 चौक 80, कितने बचे, 5, पॉइंट लगाया, जीरो बढ़ाया, 20, ठीक है, 20 दूनी 40, और कितना बचा, 10 बचा, हो गए 100, 20 पंजे 100, यानी 4.25। तो क्या आ जाएगा, अब इसमें से क्या करेंगे, ये भी घटाना पड़ेगा, 4.25। तो जो ही घट के जो आएगा वही हमारा आंसर आएगा, ठीक है। तो अब देखिएगा, इसे अगर घटाना चाहें तो किस प्रकार से घटाएंगे हम, तो इसे पूरा मान लीजिए 5, तो इसमें से 5 घटाए तो क्या बचेगा, 80, और ये क्या था, 25, तो इधर क्या रह गया, 75, ठीक है। इस प्रकार से इसे पूरा मान लीजिए, अगर आप 5, तो 5 इसमें से पूरे घटा दो संख्या में से, और जो बच गया 25 में से कितने बन के 100 बनता है, तो ये 25 75, ठीक है, तो 25.75। अब इसे इसमें ये ऑप्शन तो है नहीं कहीं, 80 बटे, लेकिन अब इसे भी क्या करना पड़ेगा, क्योंकि आए क्या थी पहले 100, तो 100 में से इसे घटाओगे तो कितना बचेगा हमारा, 19.25। अब 19.25 भी कहोगे नहीं है, क्योंकि 25 का मतलब होता है 1/4, क्योंकि अगर इसके बच्चे में 100 करें तो क्या आएगा, 25 चौका 100, तो 19 सही 1/4% की क्या हो गई, कमी, ठीक है, 19 सही 1/4% की कमी। चलिए इस टाइप से अगर आपको थोड़ा कंफ्यूजन हुआ हो तो चलिए मैं उस टाइप से समझाता हूँ, जो मेरा फार्मूला मैंने आपको दिखाया था ए प्लस बी वाले से, ए प्लस बी प्लस ए इंटू बी बट्टे 100। तो ए का मान कितना है, 15, ठीक है। अब के घटाया हुआ है तो क्या करेंगे, माइनस के 15, ठीक है, यहां भी माइनस के 5। अब ये माइनस माइनस यहां पे क्या बन जाएगा, प्लस 5 × 15, ठीक है, ए इंटू बी बटे में 100। अब देखिएगा इसे कितना हो गया, ये माइनस के 20 हो गया, प्लस 15 पंजे 75, 75/100, ठीक है। इसे काटोगे तो क्या आएगा, 2 के बाद यहां पर पॉइंट लग जाएगा, ठीक है, तो क्या आ जाएगा, माइनस के 20 प्लस के 7 5। अब 7 5 इसमें से घटाएंगे तो क्या रह जाएगा, 19.25, क्या रह गया, 19.25, वो भी का आएगा, माइनस का, और माइनस का मतलब इसका मतलब क्या हो गया, ये कमी, और 25 का मतलब अगर पॉइंट यहाँ पर प्रतिशत होता है, प्रतिशत आएंगे क्या करेंगे, 100 करेंगे, तो यहाँ पर 25 चौका 100, यानी 1/4, 25 लिखो या 1/4 लिखो, भिन्न मैंने आपको वीडियो बन में समझाया है, तो ये हो जाएगा 19 सही 1/4%। तो ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। एक व्यक्ति की मजदूरी पहले 20% बढ़ी, तो अब ये क्या है, बड़ी है, तो 20, ठीक है, प्लस का दिखाएंगे, क्योंकि बड़ी है तो प्लस का दिखाएंगे, और घटा होगा तो माइनस का। कुछ दिनों बाद 10% घट गई, तो यानी कि माइनस के 10। अब यहां पर गुणा प्लस का चिन्ह आता है, लेकिन प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, क्योंकि प्लस और माइनस की जब गुणा करते हैं तो क्या आता है, माइनस, प्लस इंटू प्लस की गुणा करके क्या आता है, प्लस, माइनस इंटू माइनस की गुणा करके क्या आता है, प्लस, ठीक है, प्लस, सॉरी, माइनस इंटू प्लस की गुणा करेंगे, माइनस इंटू प्लस की गुणा करेंगे तब भी क्या आएगा, माइनस, यानी कि जब प्लस प्लस होगा तब प्लस, और माइनस माइनस होगा तब भी प्लस, गुणा पे, गुणा करने पर, ठीक है। तो यहां पर देखिएगा, ए इंटू बी तो होता है हमारा, तो जब गुणा करेंगे तो क्या आएगा, अलग अलग चिन्ह, अलग अलग चिन्ह है तो माइनस आएगा, और एक जैसा चिन्ह है तो प्लस आता है, ठीक है। तो देखिएगा क्या आएगा, माइनस के 20 × 10 बट्टे 100। अब देखिएगा, 2 जीरो हैं, काट दो, यहां पर क्या बचा, ये प्लस का, ये माइनस का, कितना बचेगा, 10, और चिन्ह का एक आएगा ये वाला माइनस, और यहां पर क्या बचा, 2, और 10 में से 2 गए, क्या बचा, 8, और 8 अब काय का आया, प्लस का, तो 8% वृद्धि, क्या हो जाएगा, 8% की वृद्धि, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है।
इसे उस टाइप से भी आप कर सकते थे। क्या था आपको पता है, 100 रुपये था मूल्य, 20% बढ़ा तो 20% बढ़ के कितना हो गया 120, और 10% घटा। अब 10% घटाएंगे तो यहाँ पे क्या करेंगे, पॉइंट लगाएंगे, यानी 10% इसका क्या हो गया 12। अब इसमें से 12 घटा दो कितना बच गया 108। तो अब ये देखिएगा इससे कितना अधिक है 8, तो इसी वजह से अधिक है तो क्या आएगा वृद्धि, और कम होता तो क्या आ जाती कमी। ठीक है, तो इस प्रकार से भी कर सकते हैं, आपको अगर जो भी इजी लगे उस वे में आप कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट टाइप ही आ जाता है दोस्तों, क्षेत्रफल और आयतन पर आधारित प्रश्न, यानी क्षेत्रफल और आयतन पर आधारित प्रश्न। तो क्षेत्रफल और आयतन पर आधारित प्रश्न क्या है, इसे भी आप a+b वाले से कर सकते हैं। ठीक है, एक आयत की लंबाई ठीक है बड़ी, जबकि चौड़ाई 10% बड़ी, इस प्रकार उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी। ठीक है, तो इसे भी आप उस फार्मूले से कर सकते हैं, a+b + a × b/100। क्यों कर सकते हैं, क्योंकि इसमें दो वेरिएबल हैं। आपको पता है आयत में क्या होता है, आयत किसे बोलते हैं, जिसकी लंबाई चौड़ाई अलग अलग हो। ठीक है, यानी कि ये है आयत, इसमें ये क्या हो गया लंबाई, और ये क्या हो गया इसकी चौड़ाई, यानी b फॉर ब्रेथ, l फॉर लेंथ। ठीक है, तो अगर इसका क्षेत्रफल देखा जाए क्या होता है l × b। तो जब भी ऐसे वेरिएबल आएंगे जिनको मल्टीप्लाई में रखा जाए और अलग अलग हो, दो वेरिएबल हो, तो इसे आप ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो अब देखिएगा 25% बड़ी है तो यानी क्या आएगा प्लस, तो 25 प्लस 10% भी बड़ी है तो क्या आएगा प्लस का ही 10। अब प्लस 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 ही रहेगा, तो 25 × 10/100। ठीक है, अब इसे काट लीजिएगा, 25 चौका 100, और 4 से काटोगे तो कितनी बार कटेगा 2.5, 4 × 2 = 8, बच्चा कुछ 2 पॉइंट लगाया 0, 4 × 5 = 20। तो क्या आ गया, यहां पर इसे जोड़ो क्या आ गया 35, और प्लस 2.5, 2.5 और 35 कितना हो गया, इसमें इसे जोड़ दो कितना हो गया 37, 37.5%। तो यही हमारा आंसर है, तो ऑप्शन नंबर सॉरी, इसमें टाइपिंग में थोड़ा मिस्टेक है, यहाँ पे 5 होना चाहिए, 37.5%। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। तो इस प्रकार से आप इसे कर सकते हैं, अगर आप इसे इसके फार्मूला से करेंगे तो उससे भी आप कर सकते हैं, बट वो आपके लिए काफी डिफिकल्ट हो जाएगा, इस वजह से आप इस वे में आप इसे करें a+b वाले में। ठीक है, जैसे कि उसमें मानना पड़ेगा आपको लंबाई 100 थी तो कितनी हो गई 125। ठीक है, चौड़ाई कितनी थी 100 ही थी, ठीक है, तो कितनी हो जाएगी 110। अब इसका क्षेत्रफल इन दोनों की गुणा करोगे कितना आ जाएगा 10,000, इन दोनों की गुणा करोगे 0 × 11 = 55 / 5 = 11 × 22, 22 × 5 = 27 के साथ 11 × 1 = 11, 11 × 2 = 13। अब देखिएगा ये कितना अधिक है, ठीक है, तो ये कितना अधिक है, इससे घटा लीजिएगा कितना अधिक है इतना, और अब इसकी तुलना किससे अधिक है, ये इससे, इससे ही तो अधिक है, क्योंकि पुराना क्षेत्रफल क्या था ये, नया क्या आया ये। तो अब देखिए गुणा में 100% लगा लेंगे, गुणा में 100, 2 0 से 2 0 कट गया, 1 0 से 1 0 कट गया, 1 0 बचा तो यहाँ पे पॉइंट लगा लेंगे, तो क्या आ गया हमारा 37.5। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, तो ये भी वही आया, इससे भी वही आया। ठीक है, तो वो आपके लिए इजी रहेगा a+b वाला। अब ये हमने कैसे आया, ये आपको पता है l × b होता है इसका क्षेत्रफल, तो हमने एक बार नई माना था उसकी गुणा करके क्षेत्रफल निकाल लिया, नया वाला और ये वाला पुराना वाला, तो नया वाला क्षेत्रफल क्या निकला था ये, और पुराना क्षेत्रफल क्या निकला था ये। अब कितना अधिक है इससे, तो अधिक निकाला तो अधिक था इतना, और फिर किससे अधिक था इससे ही, तो इससे तुलना कर ली और वही आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, तो आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा होगा, आ रहा हो तो आप लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ये आयत के क्षेत्रफल का फॉर्मूला, लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब एक वर्ग की भुजा 25% बढ़ गई, तो ये भी आप कर सकते हैं उसी फार्मूले से, 25% बढ़ गई, बट आपको बस इसके लिए एक चीज आपको पता होना चाहिए कि वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है। तो वर्ग का क्षेत्रफल, चलिए मैं बताता हूं, वर्ग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है a × a, तो इसे बोल सकते हैं भुजा स्क्वायर। ठीक है, a × a, क्योंकि वर्ग किसे बोलते हैं, वर्ग बोलते हैं वह चीज जिसकी चारों भुजाएं बराबर हों। ठीक है, उस चीज को क्या बोलेंगे, वर्ग।
अब देखिएगा इसमें भी दो वेरिएबल आए, ए दो बार, तो इसे भी उस फार्मूले से यूज कर सकते हैं। तो ए प्लस बी, तो यहां पर क्या हो जाएगा 25, और दोनों ए क्या है 25 ही है, तो 25 प्लस 25 प्लस 25 इंटू 25 बटे में 100, तो ये 25 25 कितना हो गया 50 प्लस, और यहां पर हो गया 625 और बटे में 100, तो ये दो के बाद पॉइंट लग जाएगा, ठीक है, क्योंकि नीचे दो जितने जीरो हैं उतने के बाद ऊपर पॉइंट लगा सकते हैं और जीरो हटा सकते हैं। तो ऊपर रह गया 50 प्लस 6.25, तो अब देखिए कितना हो गया 56.25। तो ये देख लेगा कौन सा ऑप्शन है, 56.25 को मैंने बताया, 25 को क्या लिख सकते हैं 1/4, तो 56 सही 1/4, तो आंसर नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। एक गोले की त्रिज्या 10% की कमी की गई, तो उसके आयतन में कितने परसेंट की कमी हो जाएगी। तो यहां पर आप देखिएगा, आप उस फार्मूले से यूज तो कर सकते हो, बट वो फार्मूला आपको दो बार लगाना होगा। क्यों लगाना होगा, क्योंकि आपको पता है गोले का आयतन क्या होता है, गोले का आयतन होता है 4/3 πr³, यानी कि आर आप स्क्वायर में नहीं रख रहा, 3 बार r की गुणा हो रही है, r × r × r, यानी 3 वेरिएबल आ गए, तो 3 आ गए, तो ये फार्मूला 2 बार यूज होगा। या आप इसे आप अपने कन्वे में कर सकते हो, यानी सरल वाले उसमें कर सकते हो, ठीक है। तो कैसे कर सकते हो, तो देखिएगा कमी हो रही है, ठीक है, तो 10 पर पहले माना कितना था 100 था, पहले हमारी त्रिज्या कितनी थी 100 थी, अब कमी होकर कितनी रह जाएगी 90, अब कितनी रह जाएगी 90, तो अब इसका अगर क्षेत्रफल निकालना है, ये तो हमारा कंस्टेंट है, ये तो हर दोनों फार्मूले में मिलेगा, ठीक है, तो अगर ये तो हमारा कट जाएगा, तो इसकी अगर त्रिज्या निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 100 × 100 × 100, कितनी बार 3 बार, यही तो होगा फार्मूला 4/3 πr³, ये अगर 1 माने, और इसको क्या मान लेंगे 4/3 πr² का³, ये तो पूरे से पूरा कट गया, तो ये क्या रह गया r₁, इसे अगर मैंने माना हो r₁, तो और इसे क्या मान लिया r₂, ठीक है, क्योंकि r₂ का हमें बताना था। तो देखिएगा अब इसकी गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा ये, और इसकी भी गुणा करेंगे 90 × 90 × 90, तो देखिएगा 3 0, और 9 की गुणा 9 9 9 81, 81 7 29, अब ये आपको घन याद होने चाहिए 15 तक, और वर्ग याद होने चाहिए 25 तक। वर्ग की मैंने आपको ट्रिक दिखाई है, बताइए वो अगर आपने देखी वीडियो तो देख लें। तो अब देखिएगा ये इससे कितना अधिक है, तो 1 0 0 0 0, ठीक है, तो यहां पर भी देखिएगा 100, तो अब ये इससे घटा लेंगे हम, चलिए मैं दोबारा ही आपको लिख के दिखाता हूं, ये क्या हो जाएगा हमारा 1 0, कितने जीरो 6 0, ठीक है, 6 0 क्यों आए, क्योंकि कितने जीरो हैं यहाँ पर, दो यहाँ पर, दो यहाँ पर, दो यहाँ पर, इसी वजह से जब भी 100 की या 10 की किसी की मल्टीप्लाई करते हैं वही जीरो उतार देते हैं, उसके साथ में 1 लिख देते हैं, और इसके साथ में कितने जीरो 3 0, तो वो यहाँ पर आ जाएंगे, और 729 नौ का घन, ठीक है, अब इसे घटा लो 0 0 0, कितना बचा 1, यहाँ पे 9 बचा, 9 में से 7, और यहाँ पर कितना बचा 9, 9 में 7 गया 2, ठीक है, तो अब कितना अधिक है इतना, और किससे अधिक है ये, कितना कम है इतना, किससे कम है इससे 6 0 वाले से, ठीक है, तो गुणा में 100, तो 3 0 ऊपर है उससे काट दो, 2 0 गुणा में है उससे काट दो, क्या बचा 1 0 बचा, तो 1 0 के लिए फिर क्या रह जाएगा पॉइंट यहां पर लग जाएगा, ठीक है, तो 27.1, तो यही आंसर हो जाएगा 27.1। आई होप कि आपके समझ में आया होगा। तो इससे आप सरल वाले अपने फार्मूले से कर सकते हैं, या आपको अगर वो फार्मूला यूज करना है ए प्लस बी का, तो वो किस प्रकार से होगा, तो वो इस प्रकार से होगा 10 प्लस 10, ठीक है, प्लस ये 10, आपको पता है आर 3 जगह होगा इसमें, तो 1 बार 10%, 1 बार 10%, और 1 बार 10%, 3 बार बढ़ाओ, तो एक बार हम इन दोनों को सॉल्व कर रहे हैं अभी, ठीक है, 10 × 10 बटे में 100, तो ये 0 से 0 कट गए, और यहां पर क्या हो गया 20, और यहां पर 1, क्योंकि एक तो बचा, तो ये क्या हो गया 21। अब इसको और इसको करेंगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 21 प्लस के, क्योंकि बड़ी सॉरी कमी हुई है, सॉरी मैंने वृद्धि कर दी यहां पे, कमी हुई थी, ठीक है,
तो कमी के लिए हमें करना पड़ता था माइनस के 10 और माइनस के 10, ठीक है। और यहाँ पर माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस क्या हो जाता, प्लस 10 × 10 और बटे में 100, ऐसे करता, ठीक है। इस प्रकार से करना होता, R1, R2 और R3 अगर माना जाए तो, ठीक है, कैसे भी मान लो 10 10 10, ठीक है, कमी माइनस की। तो अब यहाँ पे क्या बचा, माइनस के 20 क्योंकि ये जुड़ जाएंगे माइनस माइनस के, और यहाँ पर प्लस का 1 क्योंकि ये कट गया कुछ नहीं, एक ही कम एक बचा, तो क्या रह गया माइनस के 19%। अब इसकी तुलना यहाँ पे तो अभी इन दोनों की थी हमने, अब करेंगे इसके साथ। तो माइनस के 19 और माइनस के 10, माइनस माइनस प्लस 19 × 10 बटे में 100, 0 से 0 कट गया, ये कितना हो गया, जोड़ लीजिएगा 29 माइनस के 29, और यहां पर क्या हो गया प्लस के, इसके एक जीरो रह गया तो एक के बाद में पॉइंट लगा देंगे, ठीक है, जितने जीरो रह जाते हैं नीचे उतने के बाद पॉइंट लगा देंगे, तो 1.9। तो अब इसे घटाइएगा, आप क्या मानोगे, पूरा 2 मानो इसे, तो 2 घटाएगा कितना बचे 27, और यहां पर 9 है तो कितना बचेगा 1, ठीक है, 10 बनाने के लिए 1, 10 या 100 बनाने के लिए आता है तो 10 बनाने 127.1, इस प्रकार से भी हमारा आंसर आ जाएगा। आई होप कि आपके समझ में आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। एक घन की भुजा, घन की भुजा, अब देखो घन का आपको इनके फार्मूला थोड़े पता होना चाहिए, तभी आप देख सकते हो कि 3 वेरिएबल हैं 2 वेरिएबल हैं, ठीक है। तो घन का फार्मूला होता है ए क्यू, यानी भुजा क्यू, a × a × a, तो इसमें भी अब 3 वेरिएबल आए तो इसमें भी 3 बार यूज होगा, ठीक है। अब की क्या होगी, वृद्धि, तो क्या हो जाएगा 10 प्लस के 10, अब प्लस 10 × 10 बटे में 100, तो इसे काटेंगे क्या आ जाएगा, यहां पर आएगा 20 और यहां पर आएगा 1, तो हो गया 21। अब 21 की तुलना किससे, क्योंकि यहां पे पता था एक बार 10 यहां पे वृद्धि हुई, तो एक बार यहां पे हुई होगी, एक बार इस भुजा में हुई होगी, तीनों भुजा में अलग अलग हुई होगी, ठीक है, तो कभी तो आयतन बना होगा। तो अब 10 से प्लस के 21 × 10 बटे में 100, 0 से 0 कट गया, यहां पर एक जीरो तो एक के बाद पॉइंट लगा दो और ये जीरो भी हटा दो, तो क्या रह गया, इसे जोड़ लो कितना हो गया 31 प्लस के 2.1, तो 31 और 2 कितना हो गया 33, 33.1, तो यही आंसर हो जाएगा 33.1%, यानी ऑप्शन नंबर सी। तो ये उस हम कौन से बेस से कर रहे हैं, ए प्लस बी वाले बेस से, ठीक है, ए प्लस बी प्लस a × b, अगर कमी हुई है तो माइनस यूज कर लेंगे और वृद्धि हुई है तो प्लस यूज कर लेंगे, जो अभी आपको मैंने पीछे दिखाया था फार्मूला उससे हम कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट टाइप ही लेते हैं अब। तो नेक्स्ट टाइप आता है हमारा आय और व्यय पर आधारित, यानी आय और व्यय पर आधारित, ये पांचवा टाइप है। तो गोपाल अपनी मासिक आय का, ठीक है, यानी गोपाल कोई है व्यक्ति, तो उसकी कुछ मासिक आय है, मासिक आय का 30% भोजन पर खर्च करता है, ठीक है, 40% परिवहन पर खर्च करता है, शेष का 50% बचाता है, तो उसकी बचत इतनी है तो प्रति माह कितने रुपए बचाता है, ठीक है, यानी प्रति माह कितने बचाता है, उसकी मासिक आय कितनी है, इतनी है, तो प्रति माह कितने बचाता है, तो उसकी मासिक आय उसने दी है तो मासिक आय कितनी थी, इतनी। अब क्या हुआ, 30% उसने किस पे खर्च कर दिया, तो हमें बस ध्यान ये देना है कि जो खर्च तो उसने कर दिया, अब बचा कितना उसके पास, हमें सिर्फ कंसंट्रेट करना है बचा कितना, आय व्यय के क्वेश्चन में बस ये कंसंट्रेट करना है बचा कितना। तो अब देखिएगा 30% उसने खर्च कर दिया तो बचा कितना होगा, 70 बचा होगा, यानी 70% बचा होगा, तो 70% हुआ ऐसे 70/100, ठीक है, इतना बचा, ठीक है। फिर भी उसके बाद वो नहीं रुका, अब ये तो इतना शेष रह गया उसके पास, शेष का 40% परिवहन पर, अब इसका भी इसने क्या कर दिया, 40% किस पे खर्च कर दिया, परिवहन पर, तो अब बचा कितना होगा, बस हमें कंसंट्रेट करना है बचा कितना, तो बचा कितना 60, यानी 40 अगर खर्च करे तो कितना बचा 60, तो 60/100 यानी 60% बचा होगा, इनटू फिर भी वो नहीं रुका, उसके बाद और खर्च किया, उसका अभी कितना शेष बचा, इतना शेष बचा, और इसका भी उसने 50% बचाता है, यानी कितना बचाता है, 50% बचाता है शेष का 50%, तो शेष का 50% बचाता है तो खर्च कितना कर देता है, शेष का 50% भी खर्च
कर देता है। तो इसका भी उसने कितना खर्च कर दिया, 50% खर्च कर दिया होगा, ठीक है। तो अब इसमें से भी वो इतना ही बचा पाता है, अब इसे काट लो जो बच रहा है वही हमारा आंसर हो जाएगा। देखिएगा, 1 0 2 0, ठीक है, 1 0 2 0। अब देखिएगा क्या रह गया हमारे पास, गुणा में ये रह गया, ठीक है, 184 × 7 × 6 × 5 बटे 10। 5 से काटोगे कितनी बार में, 2 बार में, और 2 से काटोगे कितनी बार में, ये 3 बार में, 2 3 6। नीचे कुछ नहीं बचा, अब हमारे पास क्या बचा, 184 × 7 × 3। अब इसकी अगर हम गुणा करते हैं वही हमारा आंसर है। चलिए मैं इसकी भी गुणा करता हूं। तो इसकी गुणा कैसे करेंगे, पहले तो आप इसकी कर लीजिए, 3 की और 84 की कर लीजिएगा, क्योंकि अब कैसे करेंगे चलिए मैं बताता हूं। 18 को सीधे 3 गुना कर लिया, 18 3, क्योंकि 18 पढ़ा मैं याद है, 18 3 54, ठीक है, 18 3 54, 54 को नहीं बोलेंगे, एक संख्या रह गई है, तो क्या बोलेंगे, 540। मैंने आपको बताया उस बे में, उस वीडियो में, 540, ठीक है। अब यहां तक इसकी गुणा कर ली, क्योंकि 18 को हमने क्या माना था, 180 माना था, अगर इसकी गुणा करते हो तो 540 आता। अब इसकी और इसकी कर लो, 4 3 12, अब इसमें 12 और जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा, 552। इसकी गुणा हो गई, अब गुणा में क्या रह गया, 7। इसकी गुणा कर लो और आंसर हमारा आ जाएगा, ठीक है। 7 से भी करते हैं, 7 5 35, क्या हो गया, 350। 7 5 35, ठीक है, 350 क्यों हो गया, 3500 हो गया, ठीक है, क्यों, क्योंकि देखिएगा 2 संख्या रह गई थी, 2 संख्या रह गई तो 2 0, 1 संख्या रह गई तो 1 0 लिखेंगे, ठीक है। 7 5 35, 1 संख्या रह गई तो कितने 0 लिखेंगे, 1 0, 7 2 14 जोड़ लिएगा, 4, 5 और 1 6, 5 और 3 8 और 3, तो यानी 3864। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी, 3864। तो आई होप कि आपके समझ में आया होगा, यानी कि जो आय है उसे लेना है और हमें सिर्फ कंसंट्रेट करना है कि बचा कितना उसके पास, ठीक है। तो जितना बचा उसे रखते रहो मल्टीप्लाई में, और जो काट के हमारा आंसर आएगा वही उसकी बचत कहलाएगी, ठीक है। आई होप कि आपके समझ में आया होगा, कैलकुलेशन तो आप कर ही सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नारायण अपनी मासिक वेतन का, यानी कि मासिक वेतन है उसका, यानी कि महीने का वेतन है, ठीक है, 30% शिक्षा पर व्यय करता है, व्यय का मतलब ये होता है खर्च करना, शेष का 50% भोजन पर, व्यय भोजन तथा परिवहन परिवर्तन व्यय पर खर्च करता है, ठीक है। इसके बाद शेष में से 1000 रुपये मकान का किराया, शेष में से भी क्या करता है, 1000 रुपये मकान का किराया देता है, अंत में उसके पास 1800 रुपये बचते हैं। तो नारायण की मासिक वेतन ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो अब क्या है, नारायण का मासिक वेतन कितना है, माना एक्स रुपए है, ठीक है, हमें जब वेतन नहीं पता है, इतने हमारे पास वेतन, या तो इनसे ऑप्शन चेक कर लो आप, या ऑप्शन चेक करना आता है ऑप्शन चेक कर लो, नहीं तो आप इस प्रकार से मान लो माना कितना एक्स रुपए है। अब देखते हैं उसने कितना खर्च किया, 30%, तो बचा कितना, बस हमें कंसंट्रेट करना है बचा कितना, तो बचा उसका 70%, तो 70/100 इतना बचा होगा, इनटू, फिर भी वो नहीं रुका शेष का, फिर क्या कर दिया उसने, 50% और खर्च कर दिया, तो बचाया कितना होगा, 50 ही बचाया होगा, तो 50, ठीक है। और बाद में शेष का, शेष में से 1000 रुपये और खर्च कर दिए, यानी कि माइनस के 1000, तब उसके पास बचत आई 1800 रुपये, यानी कि अब कितना बचा, ये पूरी क्या है बचत, और इसको भी क्या बोलेंगे बचत, तो इन दोनों क्या कर दो कैलकुलेशन, और जो एक्स का मान आए वही हमारा आंसर है, ठीक है। काट लिएगा, 2 0 है, 2 0 से 2 0 कट गए, 7 5 35 माइनस, इसकी जब इससे गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 3 0 ये है और 2 0 इसके साथ में आ जाएगा, और बटे में क्या आ जाएगा, 100, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा इसका x, 35x हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि x की भी इसके साथ में गुणा होगी। अब ये आपको पता है यहाँ पर 1800 है, अब ये जाएगा यहाँ पे, और इसके नीचे कुछ नहीं है, बन मानोगे तब भी ये ऊपर आ जाएगा, ठीक है, तो बन तो कुछ होता ही नहीं है, तो क्या रह गया, 35x माइनस के बराबर 18, और 2 0 इसके साथ के भी लग जाएंगे, क्योंकि 100 भी इसकी गुणा में आ जाएगा, ठीक है, ये आ गया। अब ये चीज इधर आएगी, क्योंकि इधर का आएगी माइनस की, इधर आ क्या हो जाएगी प्लस की, तो एक्स बराबर हो जाएगा
पैंतीस एक्स बराबर सॉरी 18, ठीक है, प्लस 1000, ठीक है, इन्हें आप जोड़ लो क्योंकि प्लस का है, तो जीरो कितने जीरो आना है, चार जीरो, तो चार जीरो तो इसके साथ में आ जाएंगे, ठीक है, और 18, दो यहां पे बच गए, दो यहां पे, 18 और 10 कितने हो गए, 28, तो ये आ गया 28, ठीक है। तो क्या बचेगा, x बराबर बचेगा 28 चार जीरो और बटे में 35, 7 से कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है, 7 पंजे 35, 7 चौक 28, 5 से कट रहा है, 5 अट्ठे 40, कितना बचा, 3 जीरो, 1 2 3 0, तो देख सकते हो क्या आ जाएगा, 8000, यानी उसकी आय कितनी थी, 8000 रुपये, तो यही हमारा आंसर है, ठीक है, तो 8000। आई होप कि आपके समझ में आया होगा। तो इस प्रकार से आपको सिर्फ इसमें आय व्यय वाले में ये देखना है कि उसके पास बचा कितना, जो सवाल बोल रहा है बस उसके अनुसार चलते जाइए और आपका आंसर इजीली आ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। एक व्यक्ति अपनी आय का 5% निर्धन कोष में, ठीक है, दान करता है, ठीक है, दान करना का मतलब क्या हो गया, उसके घर से गया, ठीक है, शेष का 20% बचत बैंक में जमा करता है, ठीक है, तो ये भी उसके हाथ से तो गया ही है, तो अंत में उसके पास इतना बचता है, तो उसकी आय कितनी है, तो फिर हम देख लेना, हमें आय तो पता नहीं, तो माना आय कितनी है, एक्स रुपए है, ठीक है, इंटू उसने 5% जमा कर दिया, तो बचा कितना होगा, 95% बचा होगा, तो 95/100, ठीक है, इनटू इसके भी, अब इससे भी जो बचा हुआ था उसने 20% बैंक में जमा कर दिया था, तो कितना बचा होगा, 80%, ठीक है, 80/100। अब ये एक बचत हो गई, और एक बचत उसने और बताई, एक पूरी क्या आ गई इसकी बचत, और बचत एक और बताइए कि उसने उसकी बचत कितनी है, 19 है, ठीक है, 19 19 रुपये बचती है, 1919 रुपये बचत करता है। अब देखिए इसे सॉल्व कर दीजिएगा, तो एक्स यहीं पर आएगा, ये दोनों ऊपर चले जाएंगे और ये दोनों नीचे आ जाएंगे, तो 19 19 × 95, वो सॉरी 100 × 100/95 × 80, ठीक है, क्योंकि ये चीज कहां पर आएगी, नीचे, और ये चीज कहां पर जाएगी, ऊपर, काट लिएगा, जीरो से जीरो कट गए, 19 से काट लिएगा, 19 से कट रहा है सामने से, 19 पंजे 95, ठीक है, 19 ही कम 19, कुछ नहीं बचा, जीरो, 19 ही कम 19, 101 बार में कट गया, ठीक है, 8 पंजे कितने हो रहे हैं, 40 हो रहे हैं, जीरो क्योंकि 40 हो रहे हैं, गुणा कर लीजिएगा, जीरो से जीरो कट गया, और इससे अब इसको काट लिया, कितनी बार में कटेगा, 25 बार में कट जाएगा, ठीक है, तो अब क्या बचा हमारे पास, 25, एक्स का मान क्या बचा, 101 × 25, कैलकुलेशन आप कर सकते हो, ठीक है, आपको मैं मेथड बता रहा हूँ किस टाइप को, आपको छोटी सी कैलकुलेशन करनी होगी, ज्यादा बड़ी नहीं, ठीक है, 25 × 101 से 25 ही कम 25, हासिल लगे 2, जब 2 जीरो में गुणा करेंगे तो क्या रह जाएगा, खाली 2, 25 ही कम 25, तो आंसर आ गया हमारा 25 25, ऑप्शन नंबर देख सकते हैं 25 35, देखो ऑप्शन भी आप बड़ा समझदारी से लगाना है, अगर आंसर आपने यहाँ करेक्ट निकाल लिया, हो सकता है ऑप्शन आपने जल्दीबाजी मारे 25 35 लगा के चलते बने, ऐसा नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये आंसर गलत है, आपको आंसर वही ढूंढना है 25 25, अब कौन सा होगा, ये देखो 35 35, नहीं ये होगा, नहीं होगा ये वाला, नहीं होगा ये वाला, नहीं होगा, कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी 25 25, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको ऑप्शन भी देख के लगाने हैं, वो कभी कभी ऑप्शन इतने कंफ्यूजन बना देता है कि बस आप जल्दीबाजी में आंसर गलत कर दे, तो आपको गलत नहीं करना है, क्योंकि इतनी मेहनत हमें खराब नहीं करनी है जितनी भी हमने की है कैलकुलेशन में या उसमें, ठीक है। आई होप कि आपके समझ में आ रहा होगा, बहुत इजी। चलिए दोस्तों आज का पार्ट यहीं पे एंड करते हैं, अगले पार्ट्स में हम आपके लिए लाएंगे, चलिए एक क्वेश्चन और इस टाइप का ये और करते हैं, उसके बाद इसे एंड करते हैं। नीलम अपनी कुल आय का 20% मकान के किराए पर, ठीक है, तो यानी कि हमने फिर उसकी कुल आय मान ली एक्स, 20% खर्च किया तो कितना बचा, अब 80%, ठीक है, 80/100 किराए पर था, शेष का 70%, तो कितना बचा, बस हमें बचत पर ध्यान देना, 30 बचा, 70 खर्च कर दिया, कितना बचा, 30 100, ठीक है। अब क्या कर हो रहा है, उसके बाद
यदि वह 3600 रुपए की बचत करती है, तो इसके बराबर क्या है, 3600 रुपए बचाती है, ठीक है, यानी कितनी बचत करती है, 3600 रुपए की। तो अब बताइए एक्स का मान कितना है, तो अब देखिएगा एक्स बराबर क्या हो जाएगा, ये चीज पहुंच जाएगी ऊपर और ये चीज आ जाएगी नीचे, तो नीचे क्या आ जाएगा 80 × 30, ऊपर क्या आ जाएगा 3600 गुणा 100 गुणा में 100, ठीक है। तो अब दो जीरो से दो जीरो कैंसिल कर दो, ठीक है, तीन से इसे काट लीजिएगा, 3 × 3, 3 × 2 = 6, 0 0, ठीक है, 12। अब चार से भी ये कट रहा है, 4 × 3 = 12 और 4 × 2 = 8, ठीक है, 2 से ही कट रहा है, अब इसे 2 से कट रहा है तो काट लीजिए कितनी बार, 50 बार में। तो अब हमारे पास बचा कितना, वो चीज इधर देख लीजिएगा, 300 बचा और गुणा में क्या बचा, 50, कितने जीरो हैं, 3 जीरो पहले ही उतार लो, 3 × 5 = 15, यही हमारा आंसर है, 15,000, तो ऑप्शन नंबर बी 15,000। आई होप दोस्तों कि आपको समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट टाइप ही हमारा अगले उसमें कवर करेंगे, ये नेक्स्ट टाइप आ रहा है, जय हिंद जय भारत, बाकी बचे हुए टाइप अगले में कवर करेंगे। अगर आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन दबा लें और लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंडों के साथ।